दोस्तों, ये है साइकोलॉजी टॉकीज और आज का टॉपिक है नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, यानी सामान्यता और असामान्यता क्या है और असामान्य व्यवहार के डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सामान्यतः ह्यूमन बिहेवियर को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए पहले नॉर्मल को समझना जरूरी है। नॉर्मल शब्द लेटिन के नॉर्मा से निकला है, जिसका अर्थ होता है नॉर्म्स, यानी वह बिहेवियर पैटर्न जिसको स्वीकार कर लिया गया हो। हालांकि मनोवैज्ञानिकों के बीच आज भी इस बात की असहमति है कि नॉर्मल का अर्थ क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग एक बिहेवियर को नॉर्मल मानते हैं तो उसी बिहेवियर को दूसरे समाज या कल्चर में एबनॉर्मल माना जाता है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एबनॉर्मल क्या है। एबनॉर्मल शब्द एब और नॉर्मल के मेल से बना हुआ है। एब वास्तव में प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है अवे फ्रॉम, यानी दूर। तो इस आधार पर एबनॉर्मल शब्द का अर्थ हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी सामान्य से दूर। तो इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि असामान्य वह है जो सामान्य नहीं है या सामान्य से परे या भिन्न है। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से ही एबनॉर्मल बिहेवियर का मीनिंग क्लियर नहीं हो जाता है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन किया है, उनमें से कुछ मुख्य डेफिनेशंस इस तरह से हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एबनॉर्मल बिहेवियर के डिफरेंट क्राइटेरिया, व्यू पॉइंट्स और अप्रोचेस के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।